दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लग टॉप में कुछ इस चित्र में दिखाए अनुसार एक छोटा सा होल देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन प्लग टॉप में ये छोटा सा होल किस कारण से दिया जाता है, इस होल को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, जिनका जवाब जितना आसान हमें लगता है उससे भी आसान होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस तरह के होल सभी प्रकार के प्लग टॉप में नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर और नॉर्मल लाइट एंड फैन सर्किट में यूज किए जाने वाले प्लग टॉप में इस तरह का कोई होल नहीं होता, जबकि कुछ पावर प्लग में यूज किए जाने वाले प्लग टॉप में इस तरह का छोटा सा होल दिया जाता है। पावर प्लग में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स की रेटिंग 1000 वाट या इससे अधिक होती है, अतः ये सर्किट से बहुत अधिक करंट ड्रॉ करते हैं। सर्किट से अधिक विद्युत धारा लेने के कारण इन प्लग टॉप में हीट प्रोड्यूस होती है। यह हीट इस प्लग टॉप या सॉकेट को खराब कर सकती है, क्योंकि इस प्लग टॉप की कनेक्टिंग पिंस ब्रास यानी कि पित्तल की बनी होती है, जो हीट पाकर एक्सपांड हो जाती है। जब यह कनेक्टिंग पिन सॉकेट में लगी हुई हीट के कारण एक्सपांड होगी तो यह प्लग टॉप सॉकेट में अटक जाएगा और इससे हमारा सॉकेट भी डैमेज हो सकता है। तो प्लग टॉप में उत्पन्न इस हीट के वेंटिलेशन के लिए प्लग टॉप में यह छोटा सा होल दिया जाता है, जिसका कार्य प्लग टॉप में कूलिंग प्रदान करना होता है।